हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शिखा भारद्वाज एंड वेलकम टू माय चैनल अर्ली बर्ड्स। आज मैं आपको रेसिपी दिखाने वाली हूँ स्वीट कॉर्न खीर की। ये एक्चुअली बहुत ही हेल्दी होती है। कॉर्न्स में विटामिन्स और फाइबर बहुत अच्छा मिलता है, तो बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये थोड़ा डिफरेंट है राइस खीर से। राइस खीर तो हमेशा ही खाते हैं हम, बट ये थोड़ी अलग है उससे। चलिए शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए 500 ml दूध, फुल क्रीम दूध, 10 से 12 केसेस स्ट्रेंथ्स, 5 छोटे चम्मच शक्कर के। इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, या अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10-15 बादाम गार्निशिंग के लिए, थोड़े से रेजिन, अगर आपके पास काजू है तो काजू भी रख सकते हैं, और 1/2 कप कॉर्न्स। आप चाहे तो कॉर्न्स को घिस भी सकते हैं कद्दूकस में, और अगर क्विक चाहते हैं फटाफट तो आप इसको बॉईल करके और ग्राइंडर में डाल के पीस भी सकते हैं। मैंने इसको बॉईल किया है, अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी और साइड बाय साइड ये दूध को गर्म करने के लिए रखती हूँ ताकि तब तक ये गर्म हो जाए। ये मैंने कॉर्न्स को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप भी जितना हो सके फाइन पेस्ट बना लें इसका। केसर में थोड़ा सा गर्म दूध डाल के इसको छोड़ दें ताकि ये अपना कलर आराम से छोड़ पाए। बादाम को आप बारीक लंबा लेंथ में कट कर लें और कट करके रखें जब तक दूध गर्म हो तब तक के लिए। ये देखिए, केसर भी अपना कलर छोड़ना शुरू कर रही है और बादाम भी मैंने कट कर लिए हैं। अब हम इसको कुक करना शुरू करते हैं। चलिए पैन गर्म कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। घी गरम हो गया है, गैस को कम ही रखिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए घी में और सॉटे कर लीजिए। कॉन्टिन्यूसली चलाते हुए कुछ देर इसको मिक्स करना है जब तक ये कलर चेंज ना कर दे अपना। देखिए थोड़ा कलर चेंज हो गया है इसका, थोड़ा रेड हो गया है ये, और घी भी साइड से ऊज आउट हो रहा है, घी भी छोड़ दिया है इसने। तो अब हम इसमें दूध डाल सकते हैं। दूध डाल देते हैं इसमें गरम वाला। और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब इसे कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते हुए, कॉन्टिन्यूसली मतलब बीच बीच में दो दो तीन तीन मिनट के बाद एक बार स्टिर कर दिया, उस तरीके से स्टिर करते हुए कुक करिए, गाढ़ा करिए दूध। देखिए ये खीर थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स पका लिया है और मैं इसको 5 मिनट पकाऊंगी ताकि ये थोड़ी और ठीक हो जाए। तब तक हम चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं, बादाम, रेजिन और थोड़ा सा ये केसर वाला दूध।
इसमें हम शक्कर डाल लेते हैं। शक्कर आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत सारी शक्कर डाली जाए, कॉर्न्स में थोड़ी सी स्वीटनेस होती ही है ऑलरेडी। देखिए ये ठीक हो गई है, इसका फ्लो देखिए, सब कुछ अच्छे से एक साथ गिर जाए। अब हमें सिर्फ शक्कर घुलने तक इसको कुक करना है। कॉर्न्स में विटामिन न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, तो बच्चों के हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। आप चाहे तो इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट मत डालिए, क्योंकि वो चबा नहीं पाते हैं ठीक से, अदरवाइज वैसे वो खा सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशियस खीर है, हेल्दी है और टेस्टी भी बहुत है। बना के देखिए इसको और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपको कैसी लगी, और आपने इसमें कुछ चेंजेस किए हो तो वो भी मुझे इन्फॉर्म करिए, कि मैं भी अपना नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकूँ कुछ पॉजिटिव चेंजेस। चलिए अब इसको बॉल में सर्व कर लेते हैं। देखिए रेडी है हमारी कॉर्न्स खीर, सर्व करिए थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करके, खाइए। बताइए मुझे कैसा लगा आपको कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए फिर विदा लेती हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर।